ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी का झगड़ा क्या है, ये बात आई। उस पर हमारा निष्कर्षों को अभी बताना चाहते हैं। अंतर्मुखी का मतलब है तो समझदारी को उपार्जित करना, मूल्यांकन करना, समझदारी प्रमाणित हुआ नहीं हुआ इसको प्रमाणित कर मैंने मूल्यांकन करना अंतर्मुखी कार्य है, और समझदारी को उपार्जित करना अंतर्मुखी कार्य है। अभी हम कोई चीज़ अध्ययन कराता हूँ, जीवन में अपने ही मन से जो इसको स्वीकारना ना स्वीकारना इसको हर विद्यार्थी सोचता है। जैसा आप भी ये बैठे हैं, हमारे बात आप सुनते भी हैं, सुन के भी बहुत सारे बातों को आप सुनने की बात उसके अर्थ में जाते हैं, अर्थ में जाने के बाद उसका स्वीकृति होती है, उसको प्रमाणित करने योग्य बन जाते हैं। अर्थ स्वीकृति होने से समझदारी हुई, अर्थ स्वीकार नहीं हुआ तो केवल सुना है, ऐसा बात बन गए। उसमें अपन ये भी एक जगह में आए कि भाई अर्थ स्वीकार होना चाहिए, अर्थ यदि समझ में नहीं आता तो शब्द का कोई मतलब नहीं है। उसको और जगह में भी इसको ये ले गए, किसी का नाम होगा तो वो नाम ही मिलना चाहिए। जैसा आपका नाम है, आपका नाम याद करने मात्र से आप मिले नहीं हैं, ठीक है। तो हम नाम का बड़ी ख्याति की एक गाया है ना, ना क्या है, राम से अधिक राम कर नामा, ये भी हम बताना चाहे। इस प्रकार से बहुत सारे वितंडावाद पैदा हुआ। अंत में ये निकलती है, यदि किसी का नाम है तो वो नाम ही मिलने पर ही तृप्ति होती है, नाम से कोई तृप्ति होने वाला नहीं है। यहाँ इस निष्कर्ष पर हम आ गए, मैं उस पर तुला हूँ, ठीक हो गए, बात यहाँ पहुँचे। उसी आधार पर अंतर्मुखी बात जो बात होती है, ये अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के अनुसार ज्ञान अर्जन, विवेक अर्जन अथवा समझदारी से संपन्न होने की प्रक्रिया है। तो अभी तक अपना सोचना यह था, समझदारी एक बहुत बड़ी भारी समझदारी का ही अर्थ है, मैंने अंतर्मुखी कार्य एक समझदारी ही है, अंतिम समझदारी, ऐसा सोच लिए, इसीलिए ये छाती का पीपल हो गया। कैसा पीपल हो गया भाई, अंतर्मुखी जिसने घोषणा किया अपने को, संसार से द्वेष के अलावा दूसरा कुछ करवे नहीं करते हैं, संसार को दुख रूप माने बिना अंतर्मुखी कोई होता ही नहीं है, संसार को ये क्लेश रूप माने बिना अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते हैं। इसका ये दो सूत्र है। और संसार को क्लेश रूप आदिकाल से वेदांतियों ने बताया ही है, क्लेश कर्मों को कर्म भी क्लेश कारण है, इसलिए संसार और संसार के काम दोनों क्लेश का ही अर्थ है, ऐसा बताया। क्लेश से राहत पाने के लिए पुण्य की बात किया, पुण्य की बातों में वो कैसे गुजरा, वो पहले अपन चार वर्ण चार आश्रम उसके बाद उपासना विधि ये सब आ करके ये गुजरते हम एक जगह में आ गए हैं विज्ञान युग की एक चरण में, जिसमें विज्ञान स्वयं एक प्रकार से स्तंभित कुंठित निरुत्तरित होने की जगह में हम आ चुके। क्या स्थिति में आए हैं, विज्ञान कहाँ है, एक प्रकार से स्तंभित, ठीक है, किस आशय से स्तंभित। सर्वप्रथम विज्ञान ये अपना अरमान बताया कि भाई प्रकृति पर हम विजय पाएंगे, विजय पाने का काम करेंगे, वो नहीं हो पाया, उसे वह स्तंभित है, ठीक है। विज्ञान से मनुष्य को अमन चयन मिलेगा, मनुष्य सुख शांति से जिएगा, ये दूसरा घोषणा, वो हुआ नहीं। और ये कलह झगड़ा और समस्याएं हर दिन बढ़ता गया, ये तो मनुष्य के संदर्भ में हुआ, सबसे बड़ा समस्या ये आके खड़ा हुआ मनुष्य के, सारे मनुष्य के ऊपर तलवार ऐसा घूम गया कि धरती बीमार हो गया। धरती बीमार होने से मैंने अनजान जान है ना, ज्ञानी विज्ञानी सबके सिर पर एक ही तलवार घूमने लग गए, मनुष्य इस धरती पर रहेगा नहीं रहेगा ये प्रश्न चिन्ह में आ गए। इससे
वो कुंठित हो गए। ठीक है, ये कुल मिलाकर के विज्ञान की, संसार की गति, जहाँ उसका फल परिणाम, उसके आधार पर विज्ञान की स्थिति इस ढंग से समीक्षित हो पाता है। इसके पहले अध्यात्मवाद में अंतर्मुखी बात आई थी, क्योंकि संसार को क्लेश रूप समझा, अंतर्मुखी होने से ही कहीं ना कहीं राहत है। अंतर्मुखी का अंतिम छोर समाधि बताया, उसके पहले ध्यान बताया, ध्यान में भी काफ़ी राहत मिलती है ऐसा बताया, उसमें काफ़ी लोग अपने को जूझा, जूझने के बाद वो समाधि में भी कोई कोई गया होगा, अंततोगत्वा समाधि के बाद भी, जैसा मैं समाधि को देखा समझा, उसमें उस स्थिति में हम ना तो हम ज्ञानी हों ये भी नहीं बता सकते थे, ना ये भी नहीं बता सकते थे हम अज्ञानी हों, बड़ा मुश्किल की कथा है, ये भी हम नहीं बता सकते थे कि हम सुखी हो गया हूँ, ये भी हम घोषणा नहीं कर सकते थे हम दुखी हो गया हूँ। उस जगह में आए तब हमको पता चला, शास्त्रों में लिखा है समाधि का सुख सुख दुख से परे, इसी को देख करके लिखा होगा ऐसा हमने संतना लगाया, तो जिस बात के लिए समाधि के लिए हम प्रयत्न किया वो मिला नहीं। मूल मुद्दा यही था भाई, ये जो बंधन और मोक्ष की बात कहते हैं, तो बंधन पूरा वेदांत को पढ़ने के बाद यही प्रश्न चिन्ह बनती है, ये ब्रह्म ही बंधन का कारण है, उसका छोटा सा स्वरूप यही है, आत्मा आत्मा के रूप में ब्रह्म जीवों के हृदय में बैठ गया, अब जीव जो है ब्रह्मवश कर्म बंधन में आ गया। यदि उसके बाद मोक्ष कैसा होता है, बोले आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है, ये बताया। तो जब जीव के हृदय में आत्मा नहीं रहता, जीव जो है ना अपने आप से मुक्त था ही, काय के लिए बैठ गया भाई, एक बुद्धू आदमी भी नहीं बैठेगा, एक जितनी बड़ी भारी ज्ञान काय को बैठ गया उसके अंदर, इस प्रश्न का उत्तर कोई दिया नहीं, न शास्त्रों में लिख पाए हैं, उसको हम स्वयं ही खोजने के लिए गए, अंततोगत्वा ये हुआ। तो हम बंधन और मोक्ष की बात समझने की कोशिश किए, उसमें अंत में हमारा सारा प्रयास के अंत में ये निकल गया, जो भ्रम बराबर बंधन, जागृति बराबर बंधन मुक्ति, ये निकला सा। कुआ क्या, कोड़ा क्या चीज है, पहाड़, निकला क्या चीज है, चूही। ये छोटी सी चीज के लिए ये सब पहाड़ कोड़ना पड़ा, इसमें 25-30 वर्ष लगा, तो अंत में ये पता चला भ्रम बराबर बंधन। भ्रम कहाँ से आता है पूछे, ठीक है, उसका उत्तर मिला, जीवन शरीर को जब तक शरीर को जीवन माना रहता है, जीवन जब तक शरीर को जीवन माना रहता है तब तक भ्रम। जागृति कब से है पूछे, तो जीवन को जीवन माना जाए, शरीर को शरीर के रूप में पहचाना जाए, जीवन को जीवन के रूप में पहचाना जाए, जीवन की आवश्यकता को पहचाना जाए, शरीर की आवश्यकता को पहचाना जाए, इन दोनों को निर्वाह कर व्यवहार कर प्रमाणित किया जाए। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए ये किया जाए समझदार बना जाए। समझदारी का बात पूरा हो गई कि अस्तित्व को समझने से समझदार, जीवन को समझने से समझदार, मानवतापूर्ण आचरण को समझने से समझदार, उसको प्रमाणित करने से प्रमाण, ठीक है, इस ढंग से बात बनी। यह हमारा अनुभव की पूरा का पूरा झांकी ऐसा सजी। उसके बाद यह अंतर्मुखी बहिर्मुखी की बात आई, उसमें व्यवहार में जब तक हम अंतर्मुख में जो समझदारी को उपार्जन करते हैं उसको हम व्यवहार में हम प्रमाणित नहीं करते हैं, हम समझदार होने का क्या क्या कहाँ प्रमाण है भाई। तो अंतर्मुखी होने का प्रयोजन यदि समझदारी के अर्थ में हम प्रयोग कर सकेंगे वो लाभदायी होगी, ऐसा मेरा कहना। इस विधि से तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी का प्रमाण व्यवहार में ही मनुष्य प्रमाणित करेगा, और कहीं प्रमाणित करने की जगह नहीं, ठीक है। अभी आप देखेंगे चित्रकूट में चले जाइए, ठीक है, जहाँ कहीं भी बैठा रहता है साधु, ठीक है, कैसा है बाबा, आनंद, ये कहेगा,
तो कुल मिलाकर के लोग आया हुआ मुट्ठी भर चावल के लिए बैठा रहता है, 10 पैसे के लिए बैठा रहता है, आनंद बताता रहता है, ले भाई बांट गया आनंद को, चित्रकूट में जाके देखिए। ठीक है, तो अभी कर दीजिए कि साधु वेशधारी को साधु आप क्यों बोलते हैं, साधु वेश कहते हैं साधु वेश वाले, ठीक है उसको ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है साधु वेश वालों को हम ऐसा देखते हैं। देख वही साधु वेश नहीं लगाए भाई, हम वहाँ काशी में जो बैठे रहते हैं विश्वनाथ जी के पास बहुत सारे लोग, कैसा दाई भगवान का कृपा है ना, विश्वनाथ जी का कृपा ऐसा कुछ कहते हैं। तो 2 पैसा देने से उससे तृप्त रहते हैं, वो अपने ढंग से काम करते हैं, ये सब चीजें हम देखा हुआ बात है। तो भाषा और आनंद, आनंद यदि जीवन में होता है वो परंपरा में प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित होता है भाई, समाधान के रूप में पहले प्रमाणित होता है, हमारा कार्य व्यवहार में समाधान आता है, वो आपको भी मूल्यांकित करने में आता है, मुझको भी मूल्यांकित करने में आता है, दोनों में तृप्ति होती है। यदि समाधान आता है उसका आगे की मुद्दा यह है हम समृद्धिपूर्वक जीने योग्य हो जाते हैं, ये दूसरा प्रमाण है, दूसरा माइलस्टोन है ये इससे इस चिन्ह को छोड़ करके अपन भागना चाहेंगे वो बनेगा नहीं। तो पहले समाधान, हम समझदार होने का पहला प्रमाण समाधान है, उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कदम में है समृद्धि, तीसरा मुद्दा में वर्तमान में विश्वास, वर्तमान में विश्वास विश्वास करना ही हम अभयशील होने का प्रमाण है। वर्तमान में विश्वास हो गए तो हम भयभीत कहीं कह लिए हैं भाई, जैसा हम आप बैठे हैं हमको इस क्षण के प्रति खूब विश्वास है, कौन कट्टा बंदूक लेकर के बैठे हो, ठीक है ना, इस क्षण में आप हमको सबको विश्वास है, हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, कोई भी जोखिम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपदा नहीं है, ये इसी बात का द्योतक है। ये वर्तमान में विश्वास को रखे रहना ये अपने आप में समझदारी का एक वैभव है, सिद्धि है, चमत्कार है या वैभव है, कुछ भी आप कह सकते हैं। चौथा वैभव यही है, हम सहअस्तित्व में सदा सदा प्रमाणित होते हैं, साथ साथ में जीकर हम खुशहाली मनाते हैं, ये बात आती है। एक बार प्रमाण शब्द को भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए बाबा, बार बार आप प्रमाणित प्रमाणित ऐसा बोलते हैं, प्रमाणित आपका क्या अर्थ है? यही अर्थ है, ये चारों चीज गवाहित हो जाए, यही प्रमाण है, हम जीने का प्रमाण यही है, ये चारों चीज को हम गवाहित करते हैं। अभय समृद्धि समाधान, एक ये हो गया, ये पूरा का पूरा मसाला, ये हुई किसका आवश्यकता है, ये पूरे के पूरा मानव का अपेक्षा है, ये एक हुआ समझदारी का एक प्रमाण। दूसरे वर्ष आप जीवन से जुड़ी हुई समाधान, अभय भी माने वर्तमान में विश्वास भी जीवन से जुड़ी हुई है, ठीक है, सहअस्तित्व को सहअस्तित्व में जीना खुशहाली मनाना ये भी जीवन से जुड़ी हुई है, और शरीर से जुड़ी हुई क्या चीज हो गई, केवल समृद्धि हुई। शरीर के लिए समृद्धि चाहिए, जीवन के लिए तीनों चीज चाहिए, इस प्रकार से क्या हुआ, जो जीवन की 3 पैर शरीर का 1 पैर मिल करके मानव का 4 पैर, क्या हो रहे, क्या हो गया जुगाड़, क्या हो गया, जीवन का तीनों वैभव सीधा सीधा और शरीर के लिए 1 वैभव मिल करके 4 वैभव के साथ मानव परंपरा सुखी रहता है। यहाँ आए क्या क्या प्रमाणित होने का फल है, यह समझदारी प्रमाणित होने का फल है। इसमें आप हम सहमत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये सोचने की मुद्दा है, ठीक हो गए।
यदि इससे हम सहमत होते हैं तब अपन एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी का प्रमाण व्यवहार में ही है और कहीं प्रमाण नहीं है। यदि मान लें अंतर्मुखी जितने भी प्रयास है वो सामाजिकरण हो गया या मानवीकरण हो गया, यदि हम इसको ऐसा सोच लें कि नहीं भाई अंतर्मुखी अंतर्मुखी रहेगा, बहिर्मुखी बहिर्मुखी ही रहेगा, बहिर्मुखी काम जो है ना पापी चंडाल ये सब भाई हैं और अंतर्मुखी कार्यक्रम जो है ना विशेष ही हैं सिद्धि चमत्कार सब भाई। यदि ऐसा सोचेंगे ये मानव परंपरा का छाती का पीपल होके ही रहेगा, ये हमारा मंतव्य है। इसमें हम ना तो परिवार को पहचान पाएंगे, ना समाज को पहचान पाएंगे, ना व्यवस्था को पहचान पाएंगे। ये डिविएशन से यदि इसको एक जगह में लाकर सार्थकता बनाना है, ये हमारा जिम्मेवारी है आज वर्तमान के बुद्धिमानों का बुद्धिजीवियों का, इन दोनों को एक जगह में देखने की तौर तरीका, इसकी आवश्यकता, इसका प्रयोजन, इन तीनों दिशा में हम प्रमाणित होने की आवश्यकता है। इन तीनों जगह में यदि हम टिक पाते हैं तो वर्तमान के लिए हम उपयोगी हुए, नहीं तो इस वर्तमान के लिए हम उपयोगी नहीं है। आप ये मानिए तो इसमें उदारता की आवश्यकता। अभी तक के इतिहास के अनुसार अंतर्मुखी विधि से क्या क्या घटित हो, बहिर्मुखी विधि से क्या क्या घटित हो, इन दोनों को अवलोकन करने की बात। बहिर्मुखी प्रयास से विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष में आया, धरती को बर्बाद करने की जगह में आ गया, माने संपूर्ण संकट से अपन घिर गए। इसमें संकट जो है ना एक मुठ में एक मुश्त में सबके ऊपर एक सा है। बाबा इसको इस वक्तव्य को थोड़ा और संतुलित करके बोलेंगे, बताइए ना कि आप। हाँ, विज्ञान जो है बहुत सारी भौतिक शक्तियों को आदमी के हाथ में ला के दे दिया, और आदमी समझदार नहीं था इसलिए दुरुपयोग करने के क्रम में अपने आत्मविनाश तक पहुंचा होता। मतलब विज्ञान ने विनाश किया ऐसा कहने के बजाय, विज्ञान तो भाई जो उसको समझ में आया। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी ना समझी वाला जिसको हमने ऐसा यूज किया। हाँ ठीक है, ये भी एक सज्जनता की बात है। ये एक सेंटेंस, विज्ञानी कौन थे? विज्ञानी अभी तक जितने भी हुए हैं वो सब भ्रमित थे, और भ्रमित होने के कारण जो भी किया और जो भी उनसे आया वो अंततः विनाशकारी ही सिद्ध हुआ। ऐसा आखिर हाँ, विनाश तक पहुंचाने में किसकी भूमिका रही? आदमी की भूमिका रही। वही वही आदमी की भूमिका क्यों रही? क्योंकि बेचारा समझदार नहीं था या हाँ, अपने को नियंत्रित नहीं कर पाया किसी स्वार्थ के लिए। ठीक है, चाहे वो राजा हो चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो, अपने स्वार्थ के लिए तत्काल। हाँ, बस यहाँ से ठीक हो जाता है, यहाँ से ठीक हो जाता है। दूसरे ओर क्या है, विज्ञान इसीलिए हम नाम दिया, परंपरा क्या है कि भाई तो विज्ञानी ही किया है मेरे अनुसार भी। आप भी वही कहना चाहते हैं बाबा भी, आप भी वही कहना चाह रहे हैं, हम समझता हूँ अपन एक मत है इसमें। क्या है, विज्ञान परंपरा यह कहता है आदमी को मानता नहीं है, विज्ञानी को काउंट नहीं करता है, विज्ञान को काउंट करता है, काउंट करने वाला आदमी है। ठीक है, ऐसा बनी हुई है, तो मैंने विरोधाभास है ये मूल में। खैर वो तो परंपरा के रूप में आई है, विज्ञान ये कहता ऐसा कहते हैं वो, विज्ञानी ऐसा कहते हैं ऐसा नहीं कहते हैं, जबकि बोलता विज्ञानी ऐसा बनी हुई है। उसी आधार पर हम ऐसा भाषा प्रयोग कर दिया, आपका और ज्यादा काफी संतुलित हो सकता है। ठीक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह में हम माने की बात बहिर्मुखी विधि से, ये बहिर्मुखी विधि की बात। क्लेश बड़ा की घटा पूछा जाए तो क्या निकलता है, क्लेश का संभावना बड़ी या घटी पूछा जाए तो क्या निकलेगा आदमी के मन में? बड़ी हो, ये निकलता है।
मैंने जब सारा मनुष्य ही नाश होने की जगह में ला दिया, क्लेश का संभावना बड़ी की घटी। एक सोचने की बात, विज्ञान की वजह से सुविधाएं बढ़ी हैं बाबा, हाँ ये विनाश की संभावना बढ़ी है जबरदस्त। अभी इसके बारे में तो अपन एक पहले एक बार हो चुके हैं, और बहुत सारा पर्यावरण ये वो सब मामलों को लेंगे ना तो बहुत भयावह है ना, ये समस्याएं बड़ी। इस खाते में हम आते हैं तो अंतर्मुखी विधि से समाधान क्या हुआ? समाधान के लिए हम सारा अंतर्मुखी विधि को अपनाएं तो उसमें समाधान मानव जाति के लिए कहाँ से आके पहुंचा वो भी पहचानने की आवश्यकता। उसमें जाते हैं तो उसमें ये कहते हैं आप स्वयं अंतर्मुखी होके देखो, हमको तो यही बताए थे। समाधि आपको हुआ क्या? हुआ नहीं हुआ उसको पूछने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम स्वयं समाधि में जा करके देखो, ऐसा हमको बताएंगे। ये है आज भी बोलेंगे, ये तो होगा। कुतर्कियों से तंग आके ऐसा बोलना पड़ा बाबा उनको, ठीक है ठीक। वो जो घायल जो हुए ना आप बोलेंगे अब आपके साथ अन्न बन कोई तर्क करेगा तो भैया अगर तंग आ क्या बोलेगा, जा भैया तू खुद ही देख ऐसा आप बोलेंगे उसको मानेगा नहीं। अच्छा तुम देखे हो क्या, मैं जानता नहीं हूँ, आप देखे हो उसको मानता नहीं तो आप कैसे बोलेंगे? ठीक बात है, ये भी हुआ होगा, ठीक है ठीक है गुड। कैसे भी हो किंतु अंतर्मुखी जो वैभव है कोई चीज संपदा होगा वो मानव कुल की परंपरा में कहीं उतरा नहीं है। यदि वैभव होगा, वैभव नहीं होगा तो बात दूसरी है। तो हम तो इसको कहने के लिए हम तैयार नहीं हो अंतर्मुखी विधि से किसी को कोई वैभव का एहसास नहीं हुआ, ऐसा हम कहने को तैयार नहीं है। किंतु जो कुछ भी एहसास हुआ होगा वो मानव परंपरा को छूया नहीं है, इस बात के लिए हम गवाही दे सकते हैं। प्रवाहित नहीं हुआ, हाँ प्रवाहित नहीं हुआ। तो इस ये यहाँ आकर के हम ठहरे तो क्या परंपरा को अंतर्मुखी विधि से अपना व्यक्ति केंद्रित स्वरूप में छोड़ करके क्या परिवार समाज मैंने सार्वभौम व्यवस्था ऐसे जगह की कल्पना में जा सकते हैं? बहुत बहुत मार्मिक बिंदु है, ठीक है ना, करेक्ट है, ऐतिहासिक मोड़ वाला बिंदु बनता है यहाँ, यहीं से बनता है। तो यदि यदि हाँ उसका प्रमाण प्रस्तुत होना चाहिए, यदि नहीं पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा प्रार्थना की मतलब है, ठीक है। यदि पुनर्विचार करने की यदि बात आती है यही आता है हम प्रमाणित होना बहुत निहायत आवश्यक है, निहायत आवश्यक है। प्रमाण बिंदु जो है ना व्यवहार में ही है, व्यवहार परस्पर मानव के साथ ही है और नैसर्गिकता के साथ ही है, पर्यावरण के साथ है और मानव के साथ ही हमारा संबंध है। इसी संबंधों में हम प्रमाणों को प्रस्तुत करना है, किस प्रमाणों को? समझदारी का प्रमाणों को। ये तो माना गया कि जो अंतर्मुखी आदमी समझदार है ही है, ये तो मानी हुई बात है। माने आप भले ना मानो, अंतर्मुखी जो है आदमी वो भले ना माने किंतु लोग तो मान के ही बैठे। ये बहुत हम समझता हूँ बहुत प्राचीन काल से ये परंपरा रही है ऐसे मानना, ये तो उसका गवाही मैं ही हूँ, उसमें हमको कोई शंका नहीं। अब जो समझदारी का यदि सर्वोपरि समझदारी समझदार आदमी यही है, हम लोग अंगुली न्यास करते रहे वो आदमी है तो व्यवहार को छूना है। हम आपको एक बार बताया जब रमण महर्षि जैसा आदमी, हम उस समय में बचपन था तो वहाँ के सारे बुजुर्ग परिपक्व आदमी सभी लोग कहते हैं ये ब्रह्मज्ञानी हैं, हम भी जाकर के उनसे मिला हूँ। उसके बाद हम यही आशा रखे थे उनको, हम जैसा हमारा रवैया है उस ढंग से उनके साथ पेश आए नहीं, हम वो लोगों के सहमति जैसा था वैसा उनके साथ पेश आया। उसके बाद हम ये सोचते रहे इनसे कोई ना कोई चीज़ मानव के लिए संगत विधि निकलेगा। अंत में क्या किया, हो आयाम एक किताब लिखा है, वो मरने की बात छपा वो, ठीक है। तो 1952 में उनका शरीर शांत हो गए, ठीक है। उसके बाद वो किताब छपा हुआ है, वो किताब को संयोग से हम अमरकंटक में देखा,
वो जो पूर्णांजय तीर्थ हमको ला करके दिखाया, उसको देखने पर वही जो वेदांत है अपना वेदांत शास्त्र दर्शन उसी को वह समर्थन करते हैं। इस ढंग से बात मत करिए, वो तो पहले से वेदांत दर्शन रखे हुए, उसके साथ सिरफोड़े हम कर ही रहे हैं, तो आप समर्थन दे के चले गए, उसका प्रयोजन बता नहीं पाए तो क्या होगा? व्यवहार से छूता नहीं है, अछूता रहे। उससे ज्यादा हम आशा रखा हुआ आदमी हमारे मन में और कोई नहीं है। वास्तविक में समाज को कुछ दे जाएगा ऐसा जो हम छानबीन करके सोचे थे, वो एक ही आदमी वो भी नहीं दे पाया। अब उसके बाद क्या किया जाए, कहाँ जाएगा? तो ये रिक्तता जो है मानव परंपरा से दूर होने की आवश्यकता। ठीक हो गया, इधर से कोई चीज मिलता ही नहीं है, इधर में गुणात्मक परिवर्तन कैसा होगा? जिस प्रकार की विन्यास से, कार्य से, मुद्रा से, भंगिमा से, स्थिति से हम ये सोचते हैं इनसे सभी कुछ मिल सकता है, वहां से यदि कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका दूसरा भाषा से ये बहिर्मुखी कार्य सब क्लेश और द्वेष की काम है और अंतर्मुखी क्लेश द्वेष से मुक्त है, ये कुल मिलाकर के बेसिक है। तो यदि क्लेश द्वेष से मुक्त आदमी है वो व्यवहार में यदि प्रमाणित नहीं हो पाता है तो भ्रम में है कि वो ज्ञान में है, उसको कैसे कैसा क्या होगा? ये जब आदमी को देने के लिए कोई धन नहीं पैदा होगा कब तक ये अंतर्मुखी को अगोरा जाए? ये तो मान लिया, ये तो अपराध कार्रवाई करेंगे। प्रमाणित होने के क्रम में बाबूजी बहिर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों साथ साथ ही बने रहते हैं। अभी का जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने प्रेहित लाभ में जीना मैंने बहिर्मुखी और अंतर्मुखी होना मैंने कुछ अनुसार ज्ञान और मोक्ष है। ज्ञान को समझ पूर्वक प्रमाणित होना जीन के लिए बहिर्मुखी होना, वो अंतर्मुखी उसमें साथ साथ चलता ही है। ये अंतर्मुखी में यदि ये साक्षात्कार हो जाता है, बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, क्या चीज? मोक्ष। उसको व्यवहार में प्रमाणित करिए, ये आते हैं उसके लिए आवाज है कि व्यवहार से मोक्ष से कोई लेन देन नहीं, ऐसा निकलता है शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार ऐसा निकलता है उसके लिए उसका एहसास है था क्या कि व्यवहार के क्रम में जो रूटीन वर्क जो चलते थे दैनिक कार्यकलाप जिसमें आदमी डूब के अपनी पूरी जिंदगी को स्वाहा करता था, तो उसकी तुलना में उस व्यवहार की तुलना में अंतर्मुख होकर किसी बड़े सत्य को, समाधान को, सुख शांति को खोज लेना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस आशय से उन्होंने कहा कि व्यवहार छूटता है छूटने दो जाने दो, तो ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। ऐसा जोर देने के क्रम में कहा कि दोनों का कोई संबंध ही नहीं, जैसा आप प्रस्तुत करते हैं वो सही है कि ये जैसा ठीक है। ये आप जो कह रहे हो सज्जनता की भाषा यही है जो आप कह रहे हो। शास्त्र में लिखा हुआ है आत्मार्थम सकलम त्यजेत, ये लिखा हुआ है। परिवार को त्याग दे, गांव को त्याग दे, देश को त्याग दे, ये सबको सबको चलते करते श्रेयार्थम आत्मार्थम सकलम त्यजेत, सबको त्याग दे कह दिया और प्रमाणित कर दे, ये कहीं भी शास्त्र में लिखा नहीं है। वो क्यों? शास्त्र ही प्रमाण है, ये त्याग दिया हो गया खत्म हो गया, ऐसा उसका आवाज होता है। अभी शास्त्र का आवाज, घटना का गति, इसको दोनों को मिलाने से ऐसा आवाज बनता है। नहीं, और एक बार ट्राई करूं तो देखिए एक मिनट, उसमें क्या पूरा डिस्टिंग्विश किया है बाबा, जैसा शास्त्रों का सार लेके तुलसीदास जी ने रामायण को रखा, तो एक आदमी जो घर छोड़ता है ज्ञान के लिए, एक आदमी जो साधना करता है अभी प्रक्रिया में है, एक आदमी जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, एक आदमी जो ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद उसको अभ्यक्त करता है, ऐसा उसका कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण उन्होंने किया है। ज्ञान व्यवहार में प्रमाणित होगा कि नहीं है पहली बात यह है, होगा तो वो कहाँ है उसको पकड़ा जाए, अभी वो ही पल्स है और कोई नहीं। अभी की बात है, ठीक है अभी की बात को कंटिन्यू करिए।
तो अपेक्षा तो यही है, सही है जो आप कह रहे हो, वही अपेक्षा है। मेरा भी सोचना है सर, वो अपेक्षा पूरा नहीं हुआ, अब क्या किया जाए? अभी की बात है, इसी के ऊपर पूरा जोर देते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब क्या है? अब क्या हुई, हम हमारे जैसा 25-30 वर्ष होते तक नो अंतर्मुखी वालों से ना तो हम व्यवहार तक छूने का कोई चीज़ मिला, बहिर्मुखी होने वालों से अंतर्मुखी को छूने का कोई चीज़ मिला नहीं, अब क्या किया जाए? यह हमारा दम घुटने की कारण रहा। हमारा जो व्यक्तिगत रूप में मेरा दम घुटने का कार्यक्रम यही रहा। उस समय बाबा जब आपके दिमाग में बात आई ना, परंपरा में इसी तरह का प्रचलन में आ गया था वो, कि भाई इसको अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का कोई लेन देन नहीं, और एक दूसरे के प्रति घृणात्मक स्थिति तक आ गई थी। घृणात्मक कहो कि कट्टरपंथी, कट्टरपंथी, छुआ छूत, ये चीन तो था ही, तक तो आ ही गई है, वो तो था, एक दूसरे को पेक्षा तक था ही। तो इससे हमारा दम घुटा, निश्चित। ये हमारा बाप दादा इतना जोरदार तप करने की बात भी, ये बहिर्मुखी की छोर तक ये पहुंच पा नहीं पाए, तो बहिर्मुखी छोर वाले एक से एक दिग्गज, दिलीप, रघु, ये तीन, वो सब अंतर्मुखी तक पहुंच नहीं पाए, अब कहाँ जाकर के मरे? अब जो याज्ञवल्क, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन लोगों का अध्ययन करने लगे, अंततोगत शाप देने में, शाप देने में या अनुग्रह करने में लग गए। इस ढंग से मैं कथा वो उनकी बात कह रहा हूँ, तो वो कोई प्रमाण करके हम नहीं कह रहा हूँ, कथाओं में ऐसा लिखा हुआ, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, ठीक है। वो इन सब कारणों से हमको एक झंझावात परेशान किया, वाक्य में भाई यही बात है, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी से कहीं मिलना ही नहीं है, ये क्या ये एक दूसरे ही दुनिया हो गई, ये एक दूसरे ही दुनिया हो गया, ये कब तक चलेगा? ठीक है, कब तक आदमी कुर्बान होता रहेगा प्रयोजनविहीन प्रक्रिया में? ना बहिर्मुखी में कोई प्रयोजन नहीं निकलता, समाधान नहीं मिलता, अंतर्मुखी में कोई प्रयोजन नहीं निकलता, समाधान नहीं मिलता, अब क्या किया जाए? इस पर हम तुले, इसमें हमारा संकट घर आया, ठीक है। हमारा संकट घर आने से जो कुछ भी परिस्थितियां हमने बनाई थी वो सबको छोड़ छाड़ करके हम उसके ऊपर तुल गए, जो कुछ भी होना था हो गया। अभी के स्थिति में हमारा अनुसार समझदारी को यदि हम अंतर्मुखी का उपज मान आ जाए, ये व्यवहार तक छू जाएगी, यहाँ हमारा प्रामाणिकता का समर्थन है। वो अगला और शानदार कदम है बाबा, अभी तक जो हुआ उससे अगला और उससे ज्यादा शानदार कदम है ना। तो यदि सारा अंतर्मुखी प्रयास को, अभी तक जितने भी तप, होम, जग, तप सब किए, उसको सबको समझदारी की कैप्सूल में हम देख पाए पाते हैं, समझदारी ही वास्तविक में अंतर्मुखी वैभव का स्वरूप है, इसमें हम यदि आश्वस्त हो सकते हैं, वो समझदारी व्यवहार में प्रमाणित हो जाएगी। राइट, एकदम राइट, ठीक है। अध्ययन के संबंध में आपने लिखा है, क्रिया का अध्ययन ऋणात्मक व धनात्मक रूप गुण स्वभाव धर्म से संबंधित रहेगा ही, अध्ययन के ऋणात्मक पक्ष से विकास संभव नहीं, केवल परीक्षण, निरीक्षण, परीक्षण की संज्ञा उचित है। धनात्मक विकास के लिए मूलतः उद्देश्य की कल्पना या आभास या आवश्यकता की अनुभूति रहना आवश्यक है, जिसके लिए सर्वप्रथम अध्ययन, द्वितीय प्रयोग व अभ्यास, तृतीय अवस्था में उपलब्धि है। इसकी थोड़ा व्याख्या, प्रमाण के उपलब्धि में हम तृप्त होते हैं, प्रमाणों की उपलब्धि में, जो अभी अभी बताया, जो मानव जो यदि समझदारी को यदि प्रमाणित करता है वो उपलब्धि है, उपलब्धि के एग्निस्ट में हम तृप्त होते हैं, व्यवहार में प्रमाणित हो जाता है ना, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व, फलस्वरूप हम तृप्त हो जाते हैं, प्रमाणित हुए, इसका गवाही भी हो जाएगी और दूसरे को भी ऐसा होता है कि प्रमाणित हुए, ऐसा हो जाता है, ये हमारा तृप्ति स्थली बनी।
पहले हम तृप्ति स्थली को कहाँ खोजते रहे, मैंने बहिर्मुखी विधि में तृप्ति स्थली यही है, ठीक है। ये तृप्ति इकट्ठा होते होते जीवन का पूंजी बन गए, ये तो समझदारी भी तृप्ति भी, दोनों चीज जीवन अपने में अपनाता ही रहेगा, ठीक है। इस ढंग से समझदारी को उपार्जित करना एक बात, प्रमाणित करने का लिए अभ्यास करना, ये तो समझदारी को उपार्जित करना भी एक अभ्यास हो सकता है, इसको भी हम नाम दे सकते हैं, क्या बोला, अध्ययन करना एक अभ्यास है, ऐसा ऐसा भी कह सकते हैं, किंतु अध्ययन करके जो प्रमाणित करना अभ्यास, अब कैसे बना, इसमें एक उल्टा हो गया, पलटी खा गई। तो समझदारी को प्रमाणित करना अभ्यास है, यहां आके हम टिकते हैं, पहले से अभ्यास की बातें हैं, अभ्युदय के अर्थ में किया गया संपूर्ण कायिक वाचिक मानसिक कृतकारी अनुमोदित सभी क्रियाकलाप अभ्यास है। उसके पहले क्या, कायिक वाचिक मानसिक, कायिक रूप में शरीर के रूप में जो कुछ भी करा धरा, ठीक है, मानसिक रूप में जो कुछ भी किया धरा, वचन के रूप में शब्द के रूप में जो कुछ भी किया धरा है ना, वह कृत मैंने स्वयं से किया हुआ, कारित दूसरों से कराया हुआ, और अनुमोदित अनुमोदन दिया हुआ, ये सब मिल करके हमारा अभ्यास है। अभ्यास में क्या होना है, तो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व प्रमाणित होना, ये हमारा प्रमाण का स्वरूप है, व्यवहार प्रमाण का स्वरूप बना। इसमें हम मानव जाति में इसके प्रति क्या सहमति उपार्जित कर पाएंगे, या उपार्जित करना जरूरी है जरूरी नहीं है, इस पर प्रकाश डाला जाए। क्या कहना है आपका, इसमें सहमति जिम्मेवारी के प्रति हम समाज में प्राप्त किया जाए, इसके लिए प्रयत्न किया जाए नहीं किया जाए, इस पर सोचिए। ये सार्वभौमिकरण होता है, मानव के लिए स्वीकृत होता है, इस आधार पर सार्वभौम व्यवस्था हो जाए। ऋणात्मक अध्ययन और धनात्मक अध्ययन पे थोड़ा सा, धनात्मक अध्ययन ऋणात्मक अध्ययन का मतलब ये है, जो हम जो गुणात्मक विकास के लिए जो कुछ भी हम करते हैं अध्ययन, जैसा समाधान के लिए जितने भी हम अध्ययन करते हैं वो धनात्मक अध्ययन है, ठीक है, प्रमाणित होने के लिए जितने भी अध्ययन करते हैं ये धनात्मक अध्ययन है, ठीक है, ये समझ में आता है। वही चीज समस्या पैदा करने के लिए जितने भी अध्ययन करते हैं, जैसा धरती को बर्बाद करने के लिए अध्ययन किए, ये ऋणात्मक अध्ययन आपके सामने गवाहित है, धरती को बीमार करने के लिए जितने भी अध्ययन किए क्रियाकलाप किए, ये ऋणात्मक अध्ययन है, ठीक है, ठीक है। ये जितने भी अडल्ट्रेशन करने के लिए अध्ययन किए हैं, 70 मंजिल की घर में रहते हैं, अडल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये ऋणात्मक अध्ययन है, विज्ञान उसमें फंस जाता है। करप्शन के लिए उनको कैसा बर्बाद किया जाए, इनको कैसा लूटा जाए, इनको कैसा नख मारा जाए, ये जो सोचते हैं ये अध्ययन है, ये ऋणात्मक अध्ययन है। बाबा बाबा जो तो आपके इस प्रतिपादन से जो विज्ञान है, विज्ञान की जितना शोध कार्य है पूरा ऋणात्मक अध्ययन है, वहाँ आप मूल्यांकन करोगे आगे चल करके, आप ही का आप तराजू में रख दिया दादाजी, आप ही लोग लाज बचाया करो, आज तो अभी आप ही मूल्यांकन करना है बाबा। तो जो आप ही लोगों को करना है, हम एक सूत्र दिया है, नहीं, नहीं, देखो नहीं बाबा, इसको इस तरह से ठीक किया जाए कि जो ऋणात्मक अध्ययन है अगर वो धनात्मक अध्ययन की रोशनी में होता है तो सार्थक होगा, इसको ऐसे इस तरह से प्लेसमेंट कीजिए तो ठीक रहेगा, ऋणात्मक रहेगा ही नहीं रहे, ऋणात्मक तो अध्ययन का प्रकार है, तो देखिए ऋणात्मक धनात्मक जो शक्तियों का अध्ययन है, ठीक है ना, जो इन शक्तियों का अध्ययन जो है ना भौतिक संसार की है, तो हम जो आचरण का ये
अध्ययन है। आचरण का अध्ययन में ऋणात्मक आचरण में आदमी दुखदायी होता है, बस इतना ही बात। पूरकता विधि को पहचाने बिना अध्ययन होगा होगा ही नहीं, धनात्मक अध्ययन का कोई मतलब ही नहीं है, दुखदायी हो। हाँ, दुखदायी। परिणाम के आधार पर उसको ऋणात्मक। देखिए ये छोटा सा कैप्सूल में कितने सारा चीज रखा हुआ है देख लो। कैप्सूल खुला नहीं था नहीं। उसकी कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका है साला? गलती को वर्णन करने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका होगा, जिसमें हमारा कौन सा संपदा होने वाला है या सम्मान होने वाला है, संसार को कौन सा सम्मान होगा? दो भद्द को ज्यादा गाने में हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा एक क्षमता जो मिली अंतर्मुखी विधि से कि आप जो आप भी अंतर्मुखी विधि से ही आए हैं यहाँ तक, तो ये क्षमता जो मिली है ये अंतर्मुखी विधि से ही मिली है हमको जो आज हम सुन रहे हैं? नहीं, ये अंतर्मुखी विधि से नहीं मिला। किस विधि से मिला? हाँ वो बता रहे हैं। उस ये मिला है हमको अंतर्मुखी विधि को परीक्षण करने में, मूल्यांकन करने की क्रम में मिल गए। आखिर उस विधि का मूल्यांकन करने के अंतर्मुखता में तो गए आप? ना, उसमें अंतर्मुखी नहीं है, संयम में अंतर्मुखी नहीं है महाराज जी। समाधि बाबा देखिए तो समाधि हुआ या अंतर्मुखी विधि से हुआ, ठीक है जी। उसका कोई उससे कुछ मिला नहीं? नहीं बाबा ऐसा, आप वहीं पे चूकते हैं शब्दों में। उससे कुछ नहीं मिला ऐसा ना बोल के, उसको ऐसा बोलिए कि मैं जिन सवालों का उत्तर खोज रहा था मुझको नहीं मिला। हाँ, वत नहीं, वत नहीं, वत नहीं, वत नहीं, हमको नहीं मिला कह रहा हूँ। आपको नहीं मिला ऐसा, ठीक है, वही कह रहा हूँ। हमको कुछ मिला नहीं। हम लोग क्या कहना चाहते हैं बाबा कि समाधि तो आपको समाधि की स्थिति प्राप्त हुई, उसके बाद आप संयम में गए, आप मैट्रिक पढ़ लिए इसलिए आपको कॉलेज में भर्ती मिली, अगर समाधि नहीं होती तो आपको कहाँ से मिलता होता? हाँ, ये भी बात ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। देखिए उसमें जो है प्रचलित संयम को हम छोड़ दिया, ठीक है, तब प्रचलित संयम की विधियों को हम छोड़ दिया, उसकी सिद्धियों की अपेक्षा हम छोड़ दिया, ठीक है हम जो अपने ढंग की एक संयम की, यदि संयम किसी बात से होगा कचरा में तो एक अच्छे में भी होगा, ऐसा हम अपना इटमाल जी लगा लिया, ठीक है। इटमाल जी लगा करके हम अपने ढंग से एक संयम का डिजाइन किया, उसमें प्रयत्न किया तो ये सब आ गया। समाधि के बिना संयम संभव है नहीं? ये ठीक है, समाधि के बिना संयम, बात सुनिए तो सही, समाधि के बिना संयम संभव नहीं है, वो बात को अपन रखा जाए, इसमें हम सहमत हैं, किंतु समाधि संयम से जो प्राप्त वस्तु है पुनः वो संयम से मिलेगा, इसको हम छोड़ दिया, उसको काट दिया, उसमें बिल्ली कटाई हो गई। अभी तो सिर्फ आपको, आप कैसे गुजरे? हाँ हो गया, हम ऐसा गुजरे, आप ऐसा गुजर सकते हैं। हाँ, तो हम तो 2000 करोड़ बाइफरकेशन से हम कहीं पहुंच गए तो आपको सीधा रास्ता हम लगा दिया, ऐसा है ये। तो उसको ऐसा हम एक कभी डिजाइन करता हूँ, वास्तविक में मनुष्य का सुख चूक कितना है, उनको छोड़ दिया बाबा जी ने, इम्पोर्टेंट। तो वो दो और दो तीन मामले उसमें बाबा जिसको आप बताते नहीं, क्या बोले वो देखिए कि समाधि के बाद या समाधि के आसपास आदमी को जो सिद्धियां मिलती है, शास्त्रों में भी लिखा है और आपने उसको फॉलो किया कि भाई सिद्धि के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है, पॉइंट वन, आपने बिल्कुल उसका निर्वाह किया। दूसरा समाधि के बाद संयम किसी चीज में, जब तीनों चीजों को एकाग्र सिद्धियां आती हैं, वो भी छोड़ दिया, वो भी आपने छोड़ दिया। हाँ। वो वहां पे आप बुद्धिमानी कर गए। हाँ। उसके बाद जो आपका मूल सवाल था, हाँ, उस उत्तर की प्राप्ति के लिए आपने संयम किया। हाँ। आपको चीज मिल गई, मिल गई। हाँ। हाँ। ठीक है ना, अभी वो जो जिस जवाब मिला हमको जी, वो उसको हम शने शने अब अध्यावसायिक विधि से लगाने पर पता चला मानव के लिए संपदा है। देखिए सही कहाँ पहुंच गया, पहले हमारे लिए संपदा, ठीक है, अब जो क्या हो रही है ये मानव का संपदा है। तब पता चला हमको जो मिली हुई है ये मानव का पुण्य का फलन है, ऐसा हम कंक्लूड करते हैं। सही बात, ठीक है, ये सही बात, ये ठीक हो गई। यहाँ तक तो अपन कहीं भी एरोगेंट, वो बात सही, मिलगेंट दोनों नहीं है ना, आपका बड़प्पन भी है, उसको बड़प्पन कहो, अच्छा कहो, बुरा कहो, हमको जो अंतरात्मा से हमको जो समझ में आता है, हम जो निर्णय कर पाया वही है, क्योंकि इतने बड़ी भारी चीज के लिए हम खोजुए नहीं किए थे। ऐसा करना भी चाहिए,
कहीं ना कहीं मानव जाति की एक आवश्यकता रही होगी तभी आई। उसमें और एक चीज हम देखा, इससे बड़े मुखोल कुछ नहीं हो सकते, जिसको मुखोल कहा जाए। इतने दिग्गज विद्वान एक तिनका के वोट में पहाड़ रख करके सारे आदमी को कगार में ला लिया मृत्यु की, वो साला कैसे हमारे हाथ में लग गया, हम सोच सोच के हैरत हूँ। इसमें कोई कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं हुई है, आपको सही बता रहा हूँ। व्यापक की बात पहले से कहा है, बात सही कहा है। अच्छा, दूसरा वस्तु की बात भी बहुत कहा गया है, ठीक है। परमाणु की बात भी बहुत कहा गया है, ठीक है। अब संकट की तरीका को भी मूल्यांकन कर चुके हैं, इसमें भी बहुत कम है ऐसा हम नहीं सोचता हूँ। संकट की बहुत सारे गांठों को आदमी सूंघ सूंघ के देख लिया है, ठीक है ना भाई। इसमें ये सूझ क्यों नहीं आया, केवल व्यापक को लेने के लिए गए वो बर्बाद हो गए, केवल वस्तु को लेने गए ये भी बर्बाद हो गए, ये दोनों का योगफल में क्या निकलता है। हाँ, उसको एक बार ट्राई करने के लिए एक आदमी प्रयोग नहीं किया, बहुत आश्चर्य एक आश्चर्यजनक बात है महाराज जी। हम जैसा एक निरीह आदमी, संसार के सामने एक निरीह हूँ मैं, नगण्य हूँ, छोटा आदमी हूँ, छोटा से छोटा आदमी हूँ, ऐसा आदमी के हाथ में इतने बड़ी एक पूंजी हाथ लग जाना, ये आश्चर्यजनक है, बहुत ही मुखोल, बहुत आश्चर्यजनक बात, मौलिक। इसमें एक ढील पोल कहीं भी कोई संध में नहीं है। अब अस्तित्व में इसके अलावा कुछ है भी नहीं है, व्यापक और एक एक, अब इसके अलावा वस्तु ही नहीं है, खाली पूरा वस्तु इतने में मुट्ठी में आता है। अब इतना दिन इतने मेधावी इतने तपस्वी कितना कथा सुनते हैं तपस्वियों का, कहीं आप पार पाओगे क्या तपस्या की तरीका तौर तरीका सुन के? अपन कहीं लगते ही नहीं है। हम जो जितना प्रयत्न किया, हमारा एक सिंसियरिटी हमारे पास है, वो वैवल है, वो मौलिक है, उसमें हमको ढील पोल नहीं दिखता। हम जो करना चाहे वो कर डाले, खत्म हो गई बात, जो परिणाम हो जाए हो जाए। परिणाम को हमको पता नहीं था, परिणाम जो मिला महाराज जी वो फल परिणाम अमूल्य। जैसा जैसा हम फैलाते जाते हैं, लगता है कि ये एक ही धरती की आदमी नहीं है, सर्व धरती की आदमी के लिए उड़नी है ये, ऐसा लगता है हमको। भले हम अत्याशावादी भले हो गए हो या आशावादी हो गया हो, हम ये नहीं कह सकते, असलियत तो ऐसे ही है। अच्छा, कौन सा मोड़ मुद्दा छोड़ता है? अभी इतना जटिलतम प्रश्न था ये, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, किसी बाप का योग्यता नहीं हुआ इसका कोई जवाब निकाल न सके। सारा IIT मर गया, वो क्या लिखे हैं जानते हो? बहिर्मुखी होने से विज्ञान विकसित होता है, अंतर्मुखी होने से आवश्यकता कम होता है। क्या लिखा है? क्या लिखा? आवश्यकता कम होता है। आवश्यकता बढ़ जाने से विज्ञान की विकास होता है, आवश्यकता कम होने से अंतर्मुखी होने से विज्ञान की विकास नहीं होता। इसीलिए थोड़ा देर आवश्यकता को कम करने के लिए अंतर्मुखी भी थोड़ा देर रहेंगे और थोड़ा देर बहिर्मुखी भी रहेंगे, ये कुल एसेंस पार्ट ऐसा लिखा हुआ। इसको क्या लिखा है? वो ह्यूमनिज्म नाम रखा, मानववाद, ये लिखा हुआ। अब क्या करोगे बताओ? थोड़ा देर अंतर्मुखी रहो जो कि आवश्यकता कम हो जाएगी, थोड़ा देर बहिर्मुखी रहो विज्ञान विकसित हो जाएगी, आपका आवश्यकता पूरा हो जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। क्योंकि वहाँ के सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनको वैसा लिखना ही, ऐसा लिखा हुआ है। अब बोलिए साहब, तो बहिर्मुखी होने से व्यापकता कैसे आता, हम जूझना है। बहिर्मुखी होने से एक एक के साथ जूझना है, दोनों जगह में जूझने की बात किया, संघर्ष करो बोला है, तो क्या गलती बोला है महाराज? हे प्रभु, और जीने दो जीवो कहाँ आता है इसमें? संघर्ष करो वाला यदि दोनों विधा में अंतर्मुखी में भी आप जूझते रहो, संघर्ष करते रहो,
बहिर्मुखी में भी जूझते रहो, संघर्ष करते रहो। कहाँ हमको राहत का स्थल ही कहाँ? ठीक है, तो उसमें ये पाया IIT की नक्शे में अंतर्मुखी की नाम लें, बहिर्मुखी की जो बात है संग्रह करने वाला उसको पक्का कर लें। जितना मोटा डिपॉजिट उतना लाल खून है IIT की प्रोफेसरों का, जितना छोटा डिपॉजिट उनका खून का रंग उतना फीका, उतना ही बात है। कुल IIT, कुल दिल्ली। अब इसको देख करके हम दंग कर गए, हम इतना विद्वान मान के आए, इतना यदि जूझा आदमी है ना, करना वही धोखेबाज जो करते हैं वही करना है, डिपॉजिट करना है। माने हमारे अनुसार जो यदि आप गणित लगाओगे, धोखाधड़ी के बिना डिपॉजिट होता नहीं, किंतु परिश्रम से जीने से हम समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं, ठसके से जी सकते हैं। जो डिपॉजिट करते हैं उनसे अच्छा हम दिखते हैं। हम IIT के सभी प्रोफेसरों से हम ठसके से रहे, डिपॉजिट उन्हीं के पास है, ये गलत नहीं है महाराज जी। अच्छा, डिपॉजिट रहने दीजिए उसके पास, वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाला महाराज जी। धनात्मक अध्ययन में, धनात्मक अध्ययन में आपने 3 स्टेप्स बताए, पहला अध्ययन, द्वितीय प्रयोग और अभ्यास, तृतीय अवस्था में उपलब्धि। उपलब्धि, इस अध्ययन की क्या, अध्ययन पूरा हो गया इसका क्या? इसका प्रमाण, अध्ययन पूरा हुआ इसका मतलब है तो हम प्रमाणित करने के लिए उद्यत हो गए प्रयोग और इसके लिए व्यवहार के लिए। प्रयोग करना है भाई, अब सब साथ साथ चलेगा वैसे तो, अध्ययन भी चलेगा साथ साथ, प्रयोग और अभ्यास भी चलेगा। हाँ, वो अध्ययन तो साथ नहीं होगा, उसके पास अपन आएंगे। क्या है इसमें, अध्ययन काल में 3 स्टेप है, उसको बाद में बताएंगे जी। तो अध्ययन हो गया के बारे में अभी चल रहे हैं। हाँ। अध्ययन होने के बाद प्रयोग और व्यवहार में हम आ जाते हैं, वो प्रमाणित होना शुरू करता है ना, उपलब्धि के रूप में अनुभव का प्रमाण। अनुभव जो है जैसा हम बोध हुआ अध्ययन से, उसको प्रमाणित करने के लिए प्रवृत्ति हुई, उसका नाम है संकल्प। उस संकल्प का नाम है रतम भरा, माने सत्य भरी हुई संकल्प। क्या नाम रतम भरा का मतलब है महाराज, सत्य परिपूर्णतया भर गई है, जैसा शहद की शहद छत में जैसा भर जाती है, उस ढंग से सत्य भरी हुई संकल्प का नाम है रतंभर। क्या सुंदर सुखद नाम है, आप सोच लो नाम से ही। वो प्रमाणित होने के लिए जब चल देता है व्यवहार में और प्रयोगों में, समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व प्रमाणित होना, ये प्रमाणित हो गया हमारा अनुभव का प्रमाण यहाँ हो गए व्यवहार में। अनुभव का प्रमाण व्यवहार में, ठीक है ना, जब कोई भी हम ये संकल्पित हो गए, हमारा अनुभव का पल्सस चलने लग गए, धक धक धक, वो जो उड़ाता है ना गाड़ी ऐसा उड़ने लगता है, उसको कोई रोक नहीं सकता महाराज। उसके बाद कोई रोक नहीं सकता, हम संकल्प कर लिया हमको प्रमाणित होना है, उसको रोकने वाला ताकत इस अस्तित्व में नहीं है, प्रमाणित होके ही रहेगा वो रितंभरा के बाद, ठीक है ना। कितना अद्भुत बात है, रितंभरा के बाद कब कहां से आ गए, समझदारी को प्रमाणित करने की बात है। अध्ययन होने के बाद और माने संकल्प के बीच में रोक सकता है? नहीं हो सकता, संकल्प के बाद रुक नहीं सकता, संकल्प के पहले बोध होने के बाद प्रवृत्ति यदि नहीं होता है प्रमाणिकता के लिए, वो उतना वो नहीं टेस्ट नहीं बनती है, उस जगह में आदमी रुक सकता है बोध के बाद। वाह, खूब कही बाबा, ये सच्चाई महाराज जी। हम वो स्थली को टोर को हम देखा है, शब्द को ठीक कर दीजिए बाबा,
प्रवृत्ति नहीं बनती, ऐसा नहीं हिम्मत नहीं बनती, ऐसा बोले कुछ भी कारणों से उसका 10-20 बात होता है। एक तो पहला आयु आता है, नंबर एक स्वयं का मूल्यांकन आता है, मूल्यांकन में स्वयं का लाइफस्टाइल की इतिहास आता है, ये सब को लेकर के आदमी कहाँ रुक जाता है इसको बताया नहीं जा सकता, इसको बताने की जरूरत भी नहीं कहता मैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बातों में डिटेल में जाता नहीं महाराज, हमको कोई उसमें प्रयोजन दिखता नहीं है, ठीक है नहीं, ठीक है ना, आप समझ गए। तो इस ढंग से क्या है, एक स्थली तो है वो बाबा। एक बारीक सवाल कि जहाँ तक रुकने की स्थिति बनी, संभावना बनी रहती है, तो उस स्थिति को अपन बोध नाम दे सकते हैं, पढ़ा और स्वीकार है, ऐसा ऐसा यहाँ तक कहें बाबा बोध हो गया ऐसा ना कहते हैं, देखिए उसका पढ़ा या सुना और उसके बाद मन में अच्छा भी लगा, स्वीकार भी हुआ, उसको थोड़ा सा अच्छा भी हुई, उसको थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बोध शब्द वहाँ ना कह के पढ़ा और मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से स्वीकार भी किया, फिर आगे हिम्मत नहीं बन पाया, ऐसा हो सकता है। देखिए इसका एक मिसाल निकला, डॉक्टर चावला मिला, आप मिले ही हो कई बार, वो आदमी अंतिम भाषा उनका ये रहा, हमको ये बताया देखिए इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अभी तक तो धरती में इससे अच्छा प्रोजेक्ट निकला नहीं है, इसमें पूर्णतया आप सहमत हों, हमको लगता है हमको करना भी चाहिए। वही लखन झा नाम की एक आदमी बिहार ऐसे ही बोला, किंतु हमारा चावला का वक्तव्य ये था, हमारा लाइफस्टाइल जैसा भी हम लेके चले आए वो जो है ना इसको हम बदलते हैं तो वो लाइफस्टाइल पीछे वाला जो है वो इसको जो हम बदलने वाला जो स्वरूप है उसमें हमारे घर के लोगों को ही भरोसा दिलाने में असमर्थ हैं, एक कष्ट वो अपना बताया। तो इसीलिए हम लाइफस्टाइल को के रहते हम इसको बदलने में असमर्थ हूँ, ये उन्होंने अपना आत्मतत्व नहीं बताया, ईमानदारी से बताया, बड़े ईमानदार है कि नहीं, ईमानदार। एक तो मॉडल है वो, एक बिहार के एक लखन झा नाम के एक आदमी हैं, वो दरभंगा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे हैं, वो आदमी पहले दिन से नौकरी में 1 रुपया लेकर बाकी सबको मैंने दान करता रहा। तो वो इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने कही गांधी स्मारक निधि के लिए डोनेट करता रहा, वो करता रहा, ये करता रहा, जो कुछ भी करता रहा अपने को उससे लेन देन। तो आसपास की एक कोई गांव की है, दरभंगा के पास में एक गांव की आदमी है, वो उस गांव में मैं गया हूँ, ठीक है ना, और उन्होंने अंतिम बात ये हमको बताया। तो हम जो है ना शंकराचार्य जी के साथ, कौन मिश्रा था वो, दूसरा कोई उनके साथ जुड़ करके काम किया था, मंडन मिश्र था वो, मंडन मिश्र काम किया थी वो जो उनके शंकराचार्य जी के साथ जैसा उन्होंने काम किया, मैं आपके साथ काम करना चाहिए, हमारा मूल्यांकन है उनका लिखा हुआ, मतलब उनका वक्तव्य लिख कर के रखा है, मिश्रा नरेंद्र मिश्रा लिख के रखा है, किंतु हमारा आयु ऐसे जगह में पहुंच गया है, हमारा आँख नहीं काम करता है, आयु दूसरा हो गया है, हम करने में असमर्थ हूँ, ऐसा बोला वो अपना अर्थ तो नहीं बताया, आप समझ गए। अच्छा उनके एक अनुस्मरण यहाँ उद्धरण करना चाहते हैं, आप लोगों का अनुमति चाहिए। तो क्या है ये, हम जाए गए उनके गांव, गांव जाने में जाने के लिए एक नदी पार करना था, नदी में घुटनों भर पानी, यहाँ से लेकर ये उधर की वो जो अपना बॉर्डर है वो उतने चौड़ी या कुल इतना चौड़ी या जितना ये है वो पार्ट है वो नदी का, एक घुटनों भर पानी में हम लोग पार किए, गाड़ी इस पार खड़ा कर दिया, ठीक है ना, पार होकर के उनके गांव में जब एंटर हुए, गांव की जो शिष्टता को ये देखा गया, गांव तो वो जो गली इतना, यदि आदमी थोड़ा सा टेढ़ा होकर के ही चलना है
नहीं तो इस तरफ की काटा या इस तरफ की काटा कपड़े को ले लेगा, ऐसा बना के रखे। एक तो पहले शिष्टता ये मिली चलते समय में, जबकि काफ़ी घर जो है ना 50-50 मीटर पीछे है, गले को घेर इतने, इतने अच्छे लोग हैं। एक तो बात, अच्छे लोगों के बारे में ज्ञान होता गया। जब उनके घर गए, उनके घर के सामने संयोग से एक काफ़ी थोड़ा सा विशाल मैदान, ठीक है, तो हम लोग वो भी ऐसे ही कांटे से रुंधा हुआ बाड़ा, उसके भीतर हम घुसे और करीब 20 मीटर दूरी पर वो घर काफ़ी लंबी, तो ये करीब 70-80 फुट लंबी ऐसा रखा हुआ है। उसमें हम जहाँ से एंटर हुए उसके सामने एक दरवाज़ा, वो दरवाज़ा के पास पहुँचने के लिए एक पर्ची जैसा सामने पर्ची है, हम पर्ची में पहुँचे। पर्ची में पहुँचने पर हमारे बाएं तरफ में कोने में एक दरवाज़ा, वो दरवाज़ा के अंदर एक आदमी सामने एक स्टूल रखा है, उसके ऊपर पैर रख करके ऐसा इजी चेयर में बैठा है। ये देखा, उस दरवाजे के ओर हम धाए, ठीक है यही होना चाहिए। हम वहाँ पहुँचे, वही आदमी था। मैंने दरवाजा में खड़े होकर के नागराज, मैं नागराज हूँ, बोले वो खड़े हो गए आदमी, ठीक है। उन्होंने बोला राम रहीम की बात ये बताए कि बताइए कैसा कृपा हुआ। वो पूछा, हमारा कृपा ऐसा हुआ, आप ये बताओ आपका निष्ठा किस में है, इतने भर बता दो, इतने पूछने के लिए आए हैं, यही कृपा है। मतलब मैं बताया, तुम बहुत सारा भाषा जानते हो, योग जानते हो, समाधि जानते हो, ध्यान जानते हो, कुरान जानते हो, बाइबल जानते हो, वो का जानते हो, ये जानते हो, ऐसा तुम्हारा ख्याति, आपको कौन सा ऐसा बिंदु है जिसमें आपका निष्ठा है, मैंने पूछा। उन्होंने बोला, संयोग से बोला या संकोच से बोला, जो कुछ भी बोला वो ही बताएगा। उन्होंने हमसे जो बोला वो है, हम चातुर्वर्ण में विश्वास रखता हूँ, चार वर्ण चार आश्रम मैं विश्वास रखता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। हम प्याज भी नहीं खाता हूँ उसमें बताया, क्योंकि बिहार में वामाचारी होते हैं, प्याज के बिना वामाचार चलता नहीं है, ठीक है। उन्होंने पहले हमको आश्वस्त किया, हम प्याज नहीं खाता हूँ, हम शाकाहारी है, आप समझ गए। हमने सर पूरा सर्विस का समय को हम स्वयं पाकी विधि से व्यतीत किया, अभी हम बच्चों के हाथ का खाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम विनय करो, उन्होंने कहा अभी हम खड़े ही हैं, हम लोग अभी बैठे बैठे नहीं हैं। तो मैंने बोला चातुर्वर्ण विधि जो है, द्वेष ईर्ष्या को छोड़कर ये चातुर्वर्ण का कोई गति नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है, क्या बोले। चातुर्वर्ण विधि से द्वेष और ईर्ष्या से छुटकर कोई चातुर्वर्ण विधि नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है। हमारा अध्ययन ये कहता है, ऐसा मैं बोला, वो कहता है कि मैं सहमत हूँ, क्या बोले वो, हम सहमत हूँ। अब ये बताओ कि पहले चातुर्वर्ण में निष्ठा है, आपने बोला था चातुर्वर्ण की हालत ये है, तुम्हारा निष्ठा की क्या हालत हुई, इसीलिए तो हम सारा छोड़ करके यहाँ गांव में आकर के बैठा हूँ, इससे कुछ नहीं होता है। तो आदमी की वो 80 वर्ष की आगे की आयु की आदमी है। तो मैंने बोला तुम्हारा निष्ठा का कीमत क्या होगा, फिर ये बता दो, निष्ठा से कुछ निकलेगा नहीं तो हो गया। उसके बाद हम लोग बैठे, ठीक, जो कुछ भी अपने बात कहना था बोलो, क्या इस मामले में है कुछ बोलो, क्या बोलिए ना। तो असली कहानी को तो आप बता नहीं रहे, ऊपर ऊपर का आप बता दिए, असली बात को आप तो बता ही नहीं रहे, क्या बात बोलो। तो मेरी दृष्टि में
वो जो टोटल घटना थी ना, टोटल घटना का जो फ्रेम बनता है वहाँ, और हम लोग जैसा उसको अभी तक प्रेजेंट करते रहे कि आपने तो उस आदमी को पहचान लिया, एक दूसरा उस आदमी के ऊपर कृपा कर दें ऐसी आपकी तमन्ना हुई, दो तीसरा आप उसके दरवाजे पे इतने दम के साथ, कोई आदमी ना किसी के दरवाजे पे घुसता नहीं और घुस के ऐसा अटैक नहीं करता है, तीन जो आपने किया, और चौथा उस आदमी को जो कई जन्मों से गाड़ी जहाँ पे उसकी कुंठा फंसी हुई थी वहाँ पे आपने विस्फोट कर दिया, चार उससे आपको मतलब कृपा का स्वरूप हम लोग जो मानते हैं महापुरुषों के द्वारा की हुई कृपा, ये जन्मों जन्मों की गांठ जिसको हम ढोते हुए चले आ रहे हैं उसमें कोई आग लग जाए, विस्फोट हो जाए और उससे आदमी उबर जाता है, वो ठीक सार बात ये थी ना, ठीक डायलॉग को बताते हैं सार बात को आप बताते हैं। देखिए सार बात जो है ना उसका अर्थ वही है, उसके बाद बैठने के बाद डेढ़ घंटा हम उनके साथ सुख लिए अपने सारे करुण कहानी, वो तो घर गदगद पिघल गया, अच्छा समझ गया। उसके बाद हम लोग खाना खाए, उनके शिष्टता विनम्रता जो है ना महाराज जी अपन कहीं नहीं लगते हैं, वो उस आदमी करने के लिए गए थे, उस आदमी की शिष्टता विनम्रता, इस भाग को यदि हम ठीक से चित्रित करो उसके सामने अपन कोई नहीं लगते हैं, अपन सब बोने हैं, मान लो पुराना आपका सब चट्टे बट्टे अच्छा होंगे आपके अच्छा तो किस स्टाइल से आप बताते बाबू, हम कितना खुश होते हैं, हमको मेहनत से निकालना पड़ता है। उसके बाद जो खाना खाने के बाद और एक घंटा लगाए, दो तीन घंटा उनके साथ रहे महाराज जी, वो आदमी कहा कि भाई अब आगे की काम क्या होगा, आगे की काम इसमें यदि भिगना है एक शिविर लगाना चाहिए, मिश्रा बोला, उन्होंने सहमत हो गए, शिविर के लिए हमको क्या करना होगा, आपको इतना ही करना होगा, शिविर स्थली को हमें दिखाना होगा, ठीक है, यदि आपसे बनता होगा तो हम लोग रहने के लिए एक जगह दिखाना होगा, दो यदि आपसे बनता है तो हम लोगों को खाना पका के खिला दें ऐसा एक आदमी को दिखाना होगा, और बाकी हम लोग आने में अपने हाथ पैर से आएंगे, हाथ पैर से जाएंगे, खाना अपने हाथ पैर की पसीने की खाएंगे, आप लोगों को हमें ना खाना खाना खिलाना है और कोई हम लोगों को खुशामद नहीं करना है, ऐसा बोला तो वो कहता है तुमने, मिश्रा को बोलता है वो, तुमने सारा समस्या को ही हल कर दिया, ऐसा बोला, वो ध्वनि हमको भी बहुत खराब लगा, इतने दिन की आदमी है, इतने दिन वाइस चांसलर रहा, वो रहा, ये रहा, ये छोटे से बात के सामने इतना, ये हमको ठीक नहीं लगा, तो मैंने मिश्रा को बोला देखो इनके साथ हर स्थिति में सम्मान को बचा करके अपन चलना चाहिए, हो गया आ गए हम लोग किए गए भी शिविर के बाद, ऐसा बोला हुआ कहने के मतलब ये एक सुखद स्मरण बताया, और उनका बताता हूँ अभी भी हमारे मन में जो स्थान है उनका शिष्टता उस आयु की विनम्रता, ये दोनों चीज़ हमारे पास तो हो नहीं सकती, मेरे पास तो नहीं है, और शिष्टता विनम्रता के आधार पर हमको तोला जाए हम बहुत छोटा दिखूँगा, सच्चाई है ये, गलत नहीं है बेटा, ये हम लोग भोग के आए हैं भाई, वो आदमी बोला वही शंकराचार्य जी के साथ जुड़ करके जैसा मंडन मिश्रा और कोई मिश्रा जो कुछ भी नाम दिया वो जैसा काम किए ऐसा हमको करना चाहिए, यही हमको समझ में आया है, और अभी हमारा स्थिति वो काम करने योग्य नहीं है, ऐसा तो इस जन्म में तो नहीं पता हो, अगले जन्म में आदमी यही काम करेगा जो आप बोल गया है, उसके योग्य परिस्थिति आप हम बनाना चाहिए ना रे, ये बात सही है ना, अभी अभी अपने को यही सबसे बड़ा है इसमें अड़चन, इस देश के लिए हम कहते हैं बाकी देश के लिए ये अड़चन नहीं है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाला कचड़ा, दूसरे देश में ये कचड़ा की कचड़ा पट्टी नहीं है, हमारे देश में ही ये कचड़ा पट्टी फंसा है, इसको यदि आप बटोर सके आपका ऐतिहासिक उपलब्ध है, ये तो बात मानो, चाहे चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, तुम्हारा अंतरात्मा की यदि तृप्ति का वस्तु होगा तो इस कचरा को अलग करा दो,
तुम्हारा बड़ी मानव जाति के साथ बड़ी उपकार होगा। हम बहुत अच्छा भाषाकार नहीं हैं क्या, इसमें सभी फंसते हैं, भाषाकार, कलाकार, वो कार, ये कार, सब कार फंसते हैं। और सबके लिए भाषा बहुत बड़ी बारी जबरदस्त कथा है, वो पकड़ तुम्हारे पास है, वो भाषा हमारे पास नहीं है, वस्तु हमारे पास है, भाषा नहीं है। आपके पास भाषा है, भाषा के तुम ऐसा धनी हो वाक्य में, हिंदी जगत में ये भाषा का तो धनी है, उसको प्रयोग आप कर सकते हो, वस्तु लगा दो, वस्तु सहित भाषा का प्रयोग करना यदि बनता है, मैं समझता हूँ ये कचड़ा पट्टी बटोड़ा जा सकता है तुम्हारा। हम तो धक्का मक्की दे देता हूँ फटाफट। अपना मूल्यांकन सही करो, खुश रहो। हम तो फटाफट धक्का मक्की देता हूँ, उससे बहुत सारे लोग उखड़ जाएंगे, ये भी हमको पता है। ये गलत बात नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों का महाराज जी नाड़ी कपकपी में फंस जाता है, क्या किया जाए, कैसे इस आदमी से पेश आ जाए भाई, ऐसा हो जाता है। ये तो हमारे साथ घटित घटनाएं हैं। तो किंतु ये आपके पास उस सबको बच करके चलने का भाषा है, यदि कर सके तो कर लो, करने का उद्देश्य होता है तो ये बहुत अच्छा एक काम है, ऐतिहासिक काम, ऐतिहासिक काम। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी का झंझट कैसे पड़ता है, अंतर्मुखी की जितने भी हमारा प्रयास है, घोर अभ्यास है, वो सब समझदारी के केंद्र बिंदु में हम प्रयोजन के रूप में पहचानना शुरू करते हैं, और उसके बाद समझदारी को व्यवहार में समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व रूप में प्रमाणित कर दें। व्यवहार माने बहिर्मुखी वाला भी क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, ठीक है ना। अंतर्मुखी वालों को भी ये चाहत बन जाए, शायद ये आदमी जात को दो फाकी फाड़ने वाला अंतर्मुखी बहिर्मुखी है ना, ये शायद जरासंध वाला बात वो पट जाए, ठीक है ना, ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा सोचता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा आगे।